वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन क्लास। आज लोग क्लास थ्री अध्याय एक, जिसका शीर्षक है हिंद देश के निवासी, कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले इस कविता का परिचय हम लोग देखेंगे दो वाक्य में। भारत देश अनेकता में एकता की मिसाल है। यहाँ के लोग, यहाँ की नदियाँ, यहाँ तक कि पक्षियों की भी यही संदेश है। हम इस कविता को एक लय के साथ वाचन करेंगे। हिंदी देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप इस भाषा चाहे अनेक है। इसी प्रकार से प्रकृति में देखेंगे तो फूल पौधे की भी यही संदेश है। बेला गुलाब चूली चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। यही संदेश हम देखेंगे पक्षियों के द्वारा। कोयल की कूक प्यारी, पपीते की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। सेम चीज हम लोग नदियों के द्वारा देखेंगे। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाकर मिले सागर में भूमि सब एक है। इस तरह से कवि विनय चंद्र मौद्गल्य इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह से सजा करके लिखे हैं और इस कविता का भावार्थ इस प्रकार से होता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, अर्थात हम भारत देश में रहने वाले लोग एक हैं। या तो हमारा रंग रूप, पहनावा या बोलने की तरीका अलग हो, लेकिन हम सब एक हैं। उसी तरह से फूल में हम लोग देखेंगे, फूल चंपा चमेली बेली गुलाब या जूही, ये सभी फूलों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको हम लोग गूंथ करके पिरो करके एक माला बनाते हैं तो सब एक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कोयल, कोयल की कूक अर्थात उसकी आवाज़ या पपीहे की गाना, ये सभी सुंदर राग में गाते हैं। गाना है अलग अलग लेकिन राग एक है। और ठीक उसी प्रकार से हम लोग नदियों में भी देखेंगे, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, नाम नदियों का अलग है लेकिन ये सब जाकर के अंतिम में सागर में मिल जाते हैं और सब एक हो जाते हैं।